चलिए आगे बढ़ेंगे, डालेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर पर। सोनीपत में सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। दून पब्लिक स्कूल पाबंदी के बावजूद खोला गया, स्कूल में पढ़ाई करते हुए बच्चे साफ तौर पर नजर आए। सरकार ने स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बावजूद उसके आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। प्रदूषण के चलते 4 जिलों में स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी यहां पर स्कूल खुला और छोटे छोटे बच्चे यहां पर पढ़ाई करते हुए नजर आए। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को लेकर यह बड़ा मामला सामने आ रहा है, क्योंकि प्रदूषण के चलते 4 जिलों में स्कूल पहले से ही बंद है। इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सोनीपत से बड़ा मामला, जहां पर सरकारी आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है। यहां पर दून पब्लिक स्कूल पर पाबंदी थी, बावजूद उसके उसे खोला गया। स्कूल में पढ़ाई करते हुए छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए। तो प्रदूषण के लगातार जो स्तर बढ़ता चला जा रहा है, ये तस्वीरें देखिए, दून पब्लिक स्कूल के बच्चे वहां पर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाबंदी के बावजूद स्कूल क्यों खोला गया, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इसको लेकर अभी तक स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। पहले कोविड के चलते स्कूलों को बंद रखा गया, स्कूल दोबारा से खुले भी, लेकिन एक बार फिर से प्रदूषण का जो स्तर है उसमें इजाफा हो रहा है, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खासकर, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया कि कुछ समय तक स्कूल दोबारा से बंद रहेंगे। लेकिन सोनीपत में ये नजारा देखने को मिला, जहां पर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। दून पब्लिक स्कूल पाबंदी के बावजूद खुलता हुआ नजर आया, ये तस्वीरें देखिए, बड़ी वानगी, स्कूल में पढ़ाई करते हुए बच्चे भी नजर आ रहे हैं, और देखिए किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। कोविड एक बार फिर से फैल रहा है, कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, ओमिक्रॉन देश में दस्तक दे चुका है। बावजूद इसके मैनेजमेंट स्कूल का कब जागेगा, कितना समय और लगेगा, और कितने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, ये कई बड़े सवाल है। देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, एक बेंच पर चार चार बच्चे बैठे हैं, इसके अलावा किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है, और देखिए जो शिक्षिका वहां पर बैठी हैं उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। फिर चाहे प्रदूषण हो, फिर चाहे कोरोना हो, मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की लापरवाही की तस्वीरें स्कूलों से अगर सामने आती रहेंगी तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक ये होने वाला है। अभिभावकों को भी ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा कि अभी कम से कम बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि एक तरफ तो सरकारी एडवाइजरी जारी है कि प्रदूषण के चलते तमाम स्कूल बंद है, बावजूद इसके अगर कुछ स्कूल खुल भी रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, अपने बच्चों को मत भेजिए। दूसरा पहलू यह भी है कि कोरोना एक बार फिर से फैल रहा है, ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, और बार बार जो वैज्ञानिक और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बच्चों को इससे बचाना होगा, तो एक अभिभावक के तौर पर, एक पेरेंट के तौर पर आप इस कदम को जरूर उठाएं, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल खुला है तो उसकी कंप्लेन जरूर दर्ज करवाएं, क्योंकि सिर्फ आपके बच्चों की बात नहीं है, कई बच्चे जो वहां पर पहुंचते हैं सभी के हेल्थ को लेकर यह बड़ा सवाल है। दून पब्लिक स्कूल की फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मासूमों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, यहां पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, और देखिए एक एक बेंच पर कहीं कहीं बच्चे बैठे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बंदोबस्त नहीं है, खुद टीचर ने मास्क नहीं लगाया, तो बच्चों को कौन यहां पर मास्क लगाने के लिए प्रेरित करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो सोनीपत से ये बड़ा मामला, जहां पर प्रदूषण के चलते इन 4 जिलों में स्कूल बंद है, बावजूद इसके स्कूल को खोला गया। पीपी1 के मैम, छोटे बच्चों के लिए अलाउड है? प्रिंसिपल ने छुट्टियां नहीं की हैं? छुट्टी है? छुट्टियां नहीं की हैं। आपका क्या नाम मैडम? पूजा। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में यहाँ? 25। कौन सा स्कूल है ये? ये दून। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है शिक्षिका का, अपने आप में बेहद गंभीर और संवेदनशील ये मामला, जहां पर 4 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके स्कूलों को खोला जा रहा है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। सहयोगी राम सिंह जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राम, क्या कुछ ये मामला, क्योंकि तस्वीरों से तो साफ देखने को मिल रहा है, प्रदूषण के लिहाज से भी, कोरोना के लिहाज से भी, तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है, स्कूल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? देखिए जिस प्रकार से आज जो राम आवाज मिल रही है आपको, चलिए हमारे सहयोगी से संपर्क टूट गया। इन सबके बीच ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई बड़े सवाल खड़े करती है बड़ी तस्वीर, जहां पर बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि अपने बच्चों को कम से कम इस वक्त स्कूल ना भेजें।